हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत समय हो गया है हम लोग क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ कोई रीज़न आ गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण से क्लास स्टॉप हो गया था और हमारा सिलेबस भी नहीं हो पाया। ठीक है, बट कोई नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, और फिर ये जो 2024 में आप लोग का 12th का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग अपना बेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, आप उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा है कंसंट्रेट होंगे, सोच रहे होंगे कि हमको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ये आपको रास्ता दिखाने के लिए ना एक मॉडल पेपर जारी हुआ है, ठीक है, फिजिक्स का। ठीक है, हम लोग फिजिक्स का क्लासेस कंटिन्यू किए हुए थे बट किसी वजह से रुक गया था, बट कोई नहीं, ये मॉडल सेट है सो आप लोग को एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा है कि हाँ हम लोग को किस डायरेक्शन में कितना ज़्यादा है सो मेहनत करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल सेट क्या होता है कि मॉडल सेट ये हमारा काम करता है कि जो भी ये हम लोग का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग को थोड़ा जानने में और हम लोग को थोड़ा राहत देने का काम करता है। जो हम लोग का 12th का इतना बड़ा सिलेबस हम लोग को कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम लोग सोचते हैं कैसे करें, ये पढ़े वो ना पढ़े, तो मॉडल सेट को देखकर इससे कंप्लीट करने का हम लोग सो एक जरिया करते हैं। हाँ, इससे इतना आ सकता है। ठीक है, मॉडल सेट करता है ये फ्रेंड्स कि जितने भी आपके यूनिट वाइज हैं चैप्टर, ठीक है, उस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, कौन से चैप्टर से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मॉडल सेट ना आपको एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यही है सो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए सो एक मॉडल सेट जारी हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सो उस मॉडल सेट का एक ब्लूप्रिंट है सो बनाए हुए हैं, तो वो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि कैसे और कौन सा यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को ये यूनिट वाइज कितने चैप्टर होते हैं, कौन कौन से चैप्टर होते हैं, ये हम लोग सो प्रीवियस वीडियो में यानी जो पहले के वीडियो में बनाए हुए थे उसमें दिया हुआ है कि कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर आते हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, बस यहाँ से ये देखिए कि कौन से यूनिट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन मॉडल सेट में पूछा गया है। ठीक है, उससे आप लोग ये पता लगा सकिएगा कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी तो सब है बट ये होता है कि हम लोग को पहले कौन सा कंप्लीट करना चाहिए और ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए ब्लूप्रिंट देखते हैं मॉडल सेट का। ठीक है, और हाँ ये एक बात याद रखिए, कभी भी ये मत समझिएगा कि ये मॉडल सेट में जिस तरह क्वेश्चन आया उसी तरह से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, ऐसा नहीं है, बट हाँ इम्पोर्टेंस ज़रूर याद रखिएगा कि हाँ मॉडल सेट में इतना इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से आया, इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया यानी इम्पोर्टेंट है, इसे ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब जहाँ हम लोग यूनिट वन यहाँ शुरुआत करते हैं। ठीक है, यूनिट वन, ठीक है, यूनिट वन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए फिर भी आपका है सो बस 7 मार्क्स है सो ऑब्जेक्ट, मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा है, 3 मार्क्स है एक भी क्वेश्चन नहीं, इसमें 5 मार्क्स का वन है। ठीक है, यानी इसमें आपका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव देखना। ठीक है, और इसी बार का नहीं, मैंने बहुत सालों से देखा हुआ है। ठीक है, इसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑब्जेक्टिव मस्ट भी बहुत ज़्यादा बनता है, मतलब 6 से 7, 7 से 8 ऐसा ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा यूनिट है। ठीक है, इससे एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है। हाँ, एग्ज़ाम के नज़दीक आते आते हम ये भी कंफर्म बता देंगे, कुछ क्वेश्चन बताएंगे इस यूनिट से कि जो तुमको सो मतलब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला रहेगा। ठीक है, वो जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसी के अंडर से आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैंने पिछले साल किया हुआ था, उससे भी पिछला देखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसा मैं बता सकता हूँ। यूनिट टू है हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें 1 मार्क्स का 4 है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इससे भी 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन यानी ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए इसमें सो 1 मार्क्स का है सो मतलब इसमें सो अधिकतर है सो क्या आपका 3 मार्क्स और 5 मार्क्स पर ही कॉन्सनट्रेट किया जाता है इस यूनिट में,
क्योंकि ये यूनिट जो है उसमें सो ऑब्जेक्टिव उतने ज़्यादा तो बनते नहीं है, बट हाँ ये सब्जेक्टिव जो होता है 5 मार्क्स का वो बनता है, ठीक है। तो इतना हमारा ब्लूप्रिंट में दिया हुआ था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म इसमें 3 1 मार्क्स के हैं, 2 3 मार्क्स के और 1 5 मार्क्स के, ठीक है। तो ये जहाँ तक आप देखिए ये तीनों जो लाइन बाय लाइन यूनिट हो गया, इसमें से मतलब 5 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। यानी समझ लीजिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है। अब हम लोग यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें है अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें 3 मार्क्स है, यानी 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ठीक है। यानी ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव का कोई बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें सो और कौन सा ऑब्जेक्टिव है कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बताऊंगा और उसी के अंडर से आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये ऑब्जेक्टिव के लिए समझ लीजिए तो कुछ इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग जो यूनिट आने वाले हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव है। इससे देख सकते हैं आप अकेले 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। यानी ये यूनिट जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। और कुछ बेसिक कोई क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हाँ हमेशा हर एक एग्जाम में लगभग में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड, ठीक है। यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब यूनिट 8 हम लोग देखें एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव यानी 1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, ठीक है। सेमीकंडक्टर, इसमें 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, ठीक है। यानी 3 मार्क्स के, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर में मतलब बहुत अच्छा ये यूनिट ना बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से समझने वाला यूनिट है, ठीक है। और आगे कम्युनिकेशन सिस्टम जो यूनिट 10 है, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में लगभग में देखा गया। हाँ बट ऑब्जेक्टिव आता है कुछ कुछ एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव आता है इससे, सब्जेक्टिव उतना रोल नहीं है इसका, ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि मैंने है सो यहाँ 7 7 क्वेश्चन 1 मार्क्स के पहला यूनिट में, दूसरा यूनिट में 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। अब उसी तरीके से यहाँ लाइन बाय लाइन है सो कौन कौन से क्वेश्चन वो मैंने लिख दिया, ठीक है। 7 क्वेश्चन कौन कौन से है, पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर, 10वां नंबर, 3रा नंबर, 4था नंबर और 5वां नंबर। उसी तरह से हम मैंने 3 मार्क्स के भी बनाए हुए हैं, ठीक है, कि 1 मार्क्स मतलब ये जो है पहला 3 मार्क्स का 1 मतलब पहला 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से है तो कितना नंबर का है, 35 नंबर का है। अब देख सकते हैं 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन किससे, यूनिट 3 हम लोग जाते हैं और इसमें देखते हैं 2 क्वेश्चन था ना, तो 36 और 37 है। यही तरह मैंने 5 मार्क्स का कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है वो मैंने यहाँ करवा रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अब अभी तक हमारा क्लास कंटिन्यू नहीं था, ठीक है, और अभी से हम लोग करवाना भी शुरू करें तो हमारा सिलेबस तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। बट हाँ, चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का जिम्मेदारी अब से मेरा, ठीक है। जितना भी जल्दी हो सके मैं चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग इसमें ये ब्लूप्रिंट देख लीजिए, ठीक है, कौन कौन सा ये जो हमारा मॉडल सेट आया उसका ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो आप लोग है सो इस मॉडल सेट के अनुसार है सो कुछ कुछ प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए, बाकी फिर तो हम लोग हैं ही साथ में, ठीक है। और फिर थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, एंड आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, सबका नॉलेज चैनल के साथ में जुड़े हुए रहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।